नहीं, बैंक से देखिए ऐसे भी वाकयात हुआ है कि लोगों के बैंक से पैसे चोरी हो गए। क्यों? वो जो उसने इन्फॉर्मेशन दी थी अपनी माँ की वल्दियत, माँ बाप की जो उसने नाम दिया था, भाई मैंने अपना थम लगाया तो मैं नादिर डाटा पूरा उसके बाद चले गया ना। अब छोटी सी मिसाल है कि आजकल बड़ा स्कैम चल रहा है कि कैब का फ़ोन आएगा और फ़ोन आके बोलेगा मैं फलाना थाने से बात कर रहा हूँ और आपका जो भतीजा है या भांजा है या भाई है बेटा है मेरे कब्ज़े में, क्योंकि आप उसने ये करते पकड़ा गया है तो आप मुझे 30,000 या 2,00,000 या 3,00,000 रुपये दो। तावा नहीं, मैं पुलिस वाला हूँ, आप दो तो मैं उसे छोड़ूंगा। तो ऐसे कितने किस्से में लोगों ने परेशान किया, मेरा नाम पता है उसको, मेरे भाई बेटे का नाम पता है, तो लोगों ने पैसे भेज भी दिए। बाद में पता चला नहीं वो तो स्कैम था, वो झूठ बोला। अक्सर कॉल आती है हमारे पास, अक्सर बैंक नहीं बोलते कि हम किसी को कॉल नहीं करते, बड़े बड़े बैंक कहते हैं हम किसी को कॉल नहीं करते। होता क्या है कि आपको कॉल आती है कि हम फलाना बैंक से बात कर रहे हैं, आप सद्दाम भाई या आप अल्ताफ भाई या आप जरदारी भाई बात करते हो, कह रहे हैं हाँ बात कर रहे हैं, आपका अकाउंट नंबर ये रहा, आपका बैंक ये रहा, आपकी ब्रांच ये रही और उस ब्रांच से बात कर रहे हैं हम। कहे जी जी जी, कहते हैं भाई आपका ये मसला आ गया है, अकाउंट का मसला हो गया है, आप जो ना ये अपना आपको एक मैसेज आ रहा है वो मैसेज बताइए मैसेज क्या है ताकि हम आपका अकाउंट खोल सकें ब्लॉक हुआ और। वो मैसेज जो जाते हैं वो OTP होके होता है, वन टाइम पासवर्ड, वो भेजते हैं लोगों को, पता नहीं होता तो लोग बता देते हैं और सेकंडों में पैसे गायब। ये स्कैम बहुत चल रहा है। हमारे एक जानने वाले हैं, वो बेचारे पेंशनर हैं, उनके पास मोबाइल जो है सिंपल मोबाइल है, तो कॉल आती है कि आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया है, आप जो है आपके पास एक मैसेज आएगा, मैसेज बताएं तब आपको ब्लॉक अनब्लॉक कर दें। वो तो उनको मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आया, वो बता देते और पैसे में चले जाते। तो बहुत स्कैम है पाकिस्तान में। यहाँ तो झूठ पर दुनिया है। अभी इतवार को हम गए फार्म हाउस, तो अच्छा जो बंदा फार्म हाउस लेके गया मैं, उसके साथ धोखा हो गया। धोखा ये हुआ कि उसने हम सबसे पैसे से लिए, हमने फार्म हाउस गए जो उसने तस्वीरों में दिखाया वो था ही नहीं, ना स्विमिंग पूल छोटा बड़ा, गंदगी मची हुई, झूले टूटे हुए, घर गंदे पड़ा हुआ, AC नहीं, पंखा नहीं, बाथरूम ख़राब। अब सब परेशान, रात में गए हुए, हम क्या करें। तो उसने पैसे ले लिए, ट्रांसफ़र करवा लिए। अब जब किसी को पैसा दे दो तो पैसा भी आप वापस निकलवा नहीं सकते। तो यहाँ झूठ बहुत चल रहा है। तो खैर हमने फिर ये किया कि हमने फिर भाई हमारे हैं उनसे बात करके भी हमने रात में फिर हमने फार्म हाउस चेंज किया। मेहमान से फिर हम गए गडाप टाउन और फिर खैर फार्म हाउस अच्छा मिल गया, मगर लुबे लबाब ये निकला कि यार किसी को आप पैसे ना दो, पहले चीज़ देखो और लाइफ देखो, वीडियो ना देखो। आजकल जो दिखता है वो सही नहीं होता। मिराल खान साहब हाय, कैसे आप, खैरियत से आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। लाइव चैट भी चल रही है और गुफ्तगू भी चल रही है और ब्रेकफास्ट के भी दिखा रहे हैं आपको, देखिए चीज़ पराठा और ये चिकन चीज़ पराठा दिखा रहे हैं आपको। पता है क्या करता है ना।